बाबा तुलसी ने कहा आप कैसे समझोगे, जैसे अंधेरा अंधेरा है अंधेरा, ठीक है, और आपको छत के ऊपर जानी हो, ठीक है, किसी तरह टटोलते टटोलते आप सीढ़ी तक पहुंच गए, जमीन सतह में है बिल्कुल सटीका, आप कैसे जानोगे कि मैं सीढ़ी पे पांव रख दिया, तो आपका पांव जो है ना वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और फिर जब आप उस पे खड़े होते हो तो दूसरा पांव आप रखते हो तो फिर उससे ऊपर आ जाता है, चल जाएगा पता, सीढ़ी पे मैं बढ़ रहा हूं, ठाकुर की ओर आप बढ़ रहे हो, कैसे समझोगे, जैसे मम गुण गावत पुलक शरीरा, राम 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 राधे श्याम राधे श्याम 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 जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान माता रानी सिंह सवारी भज रहे हो, आपके शरीर का जो भी वो रोम है वो पुलकित खड़ा हो जाए, खड़ा हो जाए भगवान का नाम लेने से, मम गुण गावत पुलक शरीरा, शरीर आनंद से सिहरने लगे, मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा, गिरा नाम है वाणी का, जैसे कभी कभी होता है एक पत्नी के प्रीतम पति विदेश में, दो साल बाद वो घर आए हैं, पत्नी पूरे पूरे दो साल तक मन में प्रतिदिन सोचती है पतिदेव आएंगे तो ये बोलेंगे, अभी नहीं, अभी के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, अभी तो डेली फेसबुक व्हाट्सएप मैसेज कुछ हो या ना हो मैसेज तो हो ही जाएगा, होता है ना, होता है क्या, होता है मैसेज, उसके बाद चिट्ठी, चैटिंग करते 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 करते, अरे वो चैटिंग में जितना उंगली लगाते हो उतना झोली में डाल के राधे राधे किया करो, तकदीर बदल जाए, अभी के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं उस दिन के लिए कह रहा हूं, महाराज उस दिन के लिए कह रहा हूं, जिस दिन के लिए कुछ नहीं था उससे थोड़ा आगे, उसके बाद चला चिट्ठी, वो पोस्ट कार्ड पे वो पत्नियां को पति जी लिखते हैं महाराज 6 महीना बाद चिट्ठी, और चिट्ठी आती है ना बेचारी नाचनी लगती है बावली होकर के कि चिट्ठी आई है, पति देव भी पत्नी अगर दूर है चिट्ठी आ गई, गुरु जी के चेले दूर हैं बेचारे ने गुरु जी को दंडवत किया चिट्ठी से पोस्ट कार्ड पे, चेला ने गुरु जी को भेजा, एक समधी ने समधन को समधन ने समधी को, क्या जमाना था जी, 15 पैसे के पोस्ट कार्ड पे इधर से उधर हो जाता था, आज तो डाटा पूरे महीने में लग जाती है, पूरे महीने में डाटा समाप्त है, पत्नियां फोन कर दिए पति को सुनते हो जी डाटा समाप्त है जल्दी भेजो, नहीं बनेगी रोटी, रोटी बनने को नहीं है, बोलना पड़ेगा राधे राधे, तो चिट्ठी और फिर अब तो अब कहां से कहां आ गए, मानो पूरे 2 साल पे पति देव आए हैं, पत्नी सज धज के है सोचती है कि ये बोलूं लेकिन जब पति सामने है इतनी खुश हो जाती है इतनी बाबली हो जाती है कि चाह रहा है बोलने के लिए लेकिन गिरा पानी जो है साथ नहीं दे रहा है, होता है कभी आपके मित्र आ रहा है मित्र आया मन में क्या बोलूं क्या बोलूं क्या बोलूं बोलना बिचारे हो लेकिन पानी निकल नहीं रही गिरा नहीं निकल रही जवाब नहीं दे रही, क्या आपके साथ हुआ है कभी, आपके साथ हुआ है, जैसे राम 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 कह रहे हो अब मुख वो पूरे शरीर रोमांचित हो गया, रोंगटे खड़ा वो रोम खड़ा शरीर सिहरने लगा, अब मुख से राम नहीं आ रहा, अंदर में राम राम चल रहा है लेकिन मुख से नहीं, क्यों, गद गद गिरा नयन बहनीरा, नीर नाम है पानी का, राम राम बोल रहे हो आपके आंखों से आंसू की धाराएं अनवरत निकल रही है और वो धाराएं मुख में जा रही है, ऐसा हुआ है कभी, ओ मैया झूठ मत बोलना जी, होता है ऐसा, होता है, हाँ जी कि ना जी, हाँ जी, चलो ठाकुर को कहते नहीं भी हुआ हो तो हो जाएगा, तो जैसे
अगर ये कंडीशन आपका है तो समझ लो कि मैं अंधेरा में ही सही सीढ़ी पे बढ़ रहा हूं। और आज मैंने परमात्मा तक पहुंचने का जो सीढ़ी है, जिसका पहला वो सबसे नीची वाली जो है ना, उस पे पांव रखा है। अब जाने के लिए कितना सीढ़ी है, चढ़ोगे तब छत पे जाओगे। बगैर सीढ़ी से अगर छत से उतर आ जाए, पांव टूट जाएगा। अगर नहीं होती है, सोते हुए, उठते हुए, खाते हुए, पीते हुए अगर आप गोविंद का स्मरण करते हो तो प्रतिदिन हमेशा के लिए जरूर आज निकल मेरे सबरिया आपके पास। अच्छा, तो सगुन में और निर्गुण में कोई भेद नहीं,